good morning students today we are going to teach a poem this poem is a house a home so title of the poem is a house a home a house and a home it is quite similar when we use house and home we understand that the words are signifying the same object

ये आप आज के पोएम का मेन थीम है ऐसे तो लगता है कि हाउस और होम दोनों एक ही हुआ हाउस में रहते हैं होम में रहते हैं लेकिन नहीं हाउस और होम ये डिफरेंट वर्ड्स हैं ये भले ही घर है दोनों का मतलब लेकिन घर में मकान में जो अंतर है वह हाउस और होम में अंतर है हाउस का मतलब मकान होम का मतलब घर गृह तो क्या अंतर है यही इस पोएम का थीम है The poet is here saying, What is the difference between a house and a home? Discuss it with your partner, then read the poem. So, here no one is your partner, I am your partner, so I am going to discuss the meaning of the poem with you. Surely, we are celebrating our lockdown period in the whole country, so we will surely depend upon. Online classes, video classes. So, I am making this video with a view to help you so that your syllabus may not be left behind and it may run successfully according to the need of the time and need of the syllabus. That's why we are here. So, now we will read the poem line by line. What is a house? Very first line.

आंगन इट इज इट्स ईव्स एंड चिमनी द हाउस इज मेड ऑफ ईव्स एंड चिमनीज ऑल्सो ये घर के भीतर ये सब कुछ देखने को मिलता है हमें ईव्स एंड चिमनीज ऑल्सो एंड टाइल फ्लूस फ्लूर्स आर ऑल्सो दे आर मेड ऑफ टाइल्स दे मे बी सिंपल एंड स्टक्को एंड रूफ दे आर इज रूफ ऑल्सो Stucco also and lots of doors. So many doors are in a house. So a house is made of such things. Whenever we enter into a house, we find brick, stone, wood, window glass, yard, eaves, chimneys, floors, stucco roof, lots of doors. This is then what is a home? Then we will read. अबाउट व्हाट इज अ होम घर गृह क्या है घर क्या है होम क्या है हाउस और होम लगता है कि मीनिंग एक है बट द मीनिंग ऑफ मीनिंग्स ऑफ दीज टू वर्ड्स आर डिफरेंट सो अबाउट हाउस वी हैड रेड इन द फर्स्ट स्टेंजा एंड इन दिस सेकेंड स्टेंजा वी विल रीड अबाउट व्हाट इज अ होम द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ होम इट्स लवली इट इज लवली इट इज लविंग इट इज लविंग द हाउस इज लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स इन होम फैमिली इज फाउंड पीपुल आर लिविंग दे आर लिविंग विथ लव दे आर लविंग ईच अदर दे आर डूइंग फॉर अदर्स अपने लिए जब हम काम करते हैं तो स्वार्थी होते हैं वी आर सेल्फिश पीपल वेन वी

अनसेल्फिश निस्वार्थ बिना स्वार्थ के एक्ट से भरा हुआ होम होता है हाउस क्या है ओनली ए बिल्डिंग पीपुल में लिव दे आर बट इफ दे आर नॉट विथ लव इफ दे आर नॉट विथ केयर विथ विथ इफ दे आर नॉट विथ अनसेल्फिश वर्क देन दैट इज ओनली अ हाउस दैट इज नॉट अ होम But whenever they are with love, whenever they are with caring for others, when they are caring for human beings, brothers, sisters, full family, mother, father, then that is a home. So it is unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you are always caring. Lauren M. Hali. Lauren M. Halley. इज़ द पोईट ऑफ दिस पोएम ही हैज़ सेड दैट देर आर डिफरेंसेज बिटवीन ए हाउस एंड ए होम हाउस में बिल्डिंग है ईट है सीमेंट है छर है बालू है मकान है गेट है खिड़कियाँ हैं फ्लोर है छत है सब कुछ है लेकिन अगर उसमें प्रेम नहीं है रहने वालों के बीच में एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं है केयर नहीं करता है कोई किसी का अफेक्शन नहीं है तो वह घर है हाउस तो है लेकिन वो होम नहीं है होम इफ ए हाउस इज टू बी मेड ए होम देन श्योरली इट शुड बी फुल ऑफ पीपल हु आर केयरिंग फॉर इच अदर हु आर लविंग इच अदर देन इट इज अ होम अदरवाइज इट इज अ हाउस सो ए हाउस में नॉट बी अ होम बट ए होम मस्ट बी अ हाउस होम होगा तो उसमें घर में ही होगा हाउस में ही होगा बिल्डिंग चाहिए ही चाहिए बिना बिल्डिंग के होम नहीं होगा होम में बिल्डिंग भी चाहिए इसके अलावा प्यार मोहब्बत से रहता हुआ एक फैमिली चाहिए और घर तो है बिल्डिंग है लेकिन उसमें प्यार मोहब्बत से रहते हुए लोग नहीं हैं तो वह सिर्फ हाउस है वह होम नहीं है ठीक है ये सेपरेट है मतलब ए हाउस इज़ ओनली ए बिल्डिंग एंड ए होम इज़ when a house is full of a family with care and love, then it becomes a home. a house may become a home if it is full of family, love, and care. and it is only a house if it is only a building. right? so i understand that i had made it understandable to you. मैंने पोए आपको पढ़ाया स्टैंडर्ड सिक्स के लिए मेरे बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगा ए हाउस और ए होम का अंतर आपको समझना है ये एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इतना ही है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए हाउस एंड ए होम एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स तो ये आप इसका अंतर ये लगभग तीस थर्टी वर्ड्स के आसपास में आप इसको तैयार कर लें प्रिपेयर करें श्योरली इट विल हेल्प यू अलॉट सो थैंक यू फॉर व्विंग दिस आप इसको सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक like करें और अब इस, इसके बाद आपके चैप्टर्स में जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसको मैं कराऊंगा थैंक यू फॉर वीविंग हैव ए गुड डे